नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है और दोस्तों काफी शानदार बल्लेबाजी करते हुए T20 में छक्कों के सबसे बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और ये रिकॉर्ड था दोस्तों क्रिस गेल का, जिसको उन्होंने पीछे छोड़ते हुए अब अपने नाम कर लिया और बन गए T20 के सिक्सर किंग। और साथ ही कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, तो कौन कौन से हैं वो रिकॉर्ड्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और साथ ही दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा के फैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से इस तीसरे T20 मुकाबले में रोहित शर्मा के बल्ले से काफ़ी शानदार तरीके से रन निकले। रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 40 गेंद में 65 रन बनाए, जिसमें दोस्तों 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इनकी स्ट्राइक रेट 162.50 की रही। साथ ही दोस्तों, एक समय इन्होंने मात्र 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसमें दोस्तों इन्होंने 5 चौके और 3 छक्के लगाए थे। बेहतरीन बल्लेबाजी की रोहित शर्मा ने आज और भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। अब दोस्तों हम बात करते हैं रोहित शर्मा के उन रिकॉर्ड्स के बारे में जो उन्होंने इस मुकाबले में बनाए हैं, वो महारिकॉर्ड। तो दोस्तों सबसे पहले रिकॉर्ड्स की बात करें तो वो है दोस्तों बतौर ओपनर T20 में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज। रोहित शर्मा अब 107 छक्के लगा चुके हैं इस मुकाबले में 3 छक्के लगाते ही। वहीं पर दोस्तों इन्होंने क्रिस गेल को पीछे छोड़ा, जिनके 105 छक्के थे। वहीं पर मार्टिन गप्टिल भी 105 छक्के के साथ हैं और एंड फिंच नंबर 4 पर हैं 82 छक्कों के साथ। तो रोहित शर्मा बन चुके T20 के यहाँ पर बतौर ओपनर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले। साथ ही दोस्तों T20 में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले ये पहले से ही नंबर 1 बल्लेबाज हैं, इन्होंने अब तक 124 छक्के लगाए। वहीं पर मार्टिन गप्टिल 116 छक्कों के साथ नंबर 2 पर हैं। नंबर 3 पर क्रिस गेल 105 छक्कों के साथ मौजूद हैं। तो रोहित शर्मा के नाम ये बेहतरीन रिकॉर्ड्स हुआ है। अब दोस्तों इसके बाद बात करें अगले रिकॉर्ड की, तो ये हैं सबसे ज़्यादा 50 प्लस रन बनाने वाले T20 में। दोस्तों रोहित शर्मा और विराट कोहली अब 24-24 बार ये कारनामा कर चुके हैं और इसके बाद नंबर 3 पर मार्टिन गप्टिल है, जो कि 17 अर्धशतक के साथ हैं। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा ने यहाँ पर 4 शतक भी लगाए हैं इस बीच। वहीं पर दोस्तों रोहित शर्मा की बात करें बतौर ओपनर, तो अब तक इन्होंने T20 में 76 मैचों की 75 पारियां खेली है, जिसमें 2284 रन बनाए, 33.10 की औसत से 4 शतक और 15 अर्धशतक लगाए और 106 छक्के जड़े, यानी कि अब 107 छक्के हो चुके हैं। तो दोस्तों रोहित शर्मा के रिकॉर्ड्स आपको कैसे लगे और साथ ही दोस्तों रोहित शर्मा की आज की बल्लेबाजी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।